नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से दरभंगा जंक्शन बिहार के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। हर शनिवार को ये हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के लिए रवाना होती है और इसका ट्रेन नंबर है 15235। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये हावड़ा जंक्शन से चलती है और वर्धमान आसनसोल बरौनी समस्तीपुर होते हुए ये दरभंगा जंक्शन बिहार में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस जो है हर शनिवार को हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के लिए रवाना होती है। तकरीबन 12 घंटे में ये अपना सफ़र करती है हावड़ा से दरभंगा तक का और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं। 534 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में जो है सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और इसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सुपरफास्ट चार्ज इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि जो सुपरफास्ट चार्ज जोड़ा जाता है जिस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 55 किलोमीटर से ज़्यादा उसमें जोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हावड़ा से दरभंगा तक चलने वाली हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। मैं आपको कोचेज वाइज हावड़ा से दरभंगा जंक्शन तक का किराया बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। हावड़ा से दरभंगा तक का जो सेकंड एसी का इस ट्रेन का किराया है वो है 1210 रुपये, जिसमें 1102 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है 58 रुपये है। टोटल किराया इसका 1210 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में तीन कोचेज जो हैं वो थर्ड एसी के हैं, जिसका हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 845 रुपये, जिसमें 764 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, जीएसटी चार्ज 40 रुपये है और टोटल किराया इसका 845 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के भी कोच हैं। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में तकरीबन 11 कोचेस हैं, जिसका टोटल किराया बनता है हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक का वो है 310 रुपये, जिसमें 290 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल चार्जेस जो है वो 310 रुपये है। इसमें कोई जीएसटी चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। और इसके अलावा इस ट्रेन में जो हावड़ा से दरभंगा तक चलती है जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों के तकरीबन इसमें जो हैं 5 कोचेस हैं, तो जिसका हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 160 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक चलने वाली हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर क्या टाइम टेबल है। हावड़ा दरभंगा एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन का नंबर है 15235। हर शनिवार को ये हावड़ा जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के लिए रवाना होती है। हावड़ा जंक्शन से ये हर शनिवार को सुबह 11:05 पर 11 या 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 12 घंटे बाद ये ट्रेन जो है दरभंगा जंक्शन बिहार में पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं और 534 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 45 किलोमीटर पर आवर। हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस जो है अपने दूसरे स्टेशन वर्धमान जंक्शन में दोपहर के 12:16 पर पहुंचती है और 12:21 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 93 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BWN और यहाँ पर यह ट्रेन जो है तेगबा एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग करती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दोपहर के 1:18 पर पहुंचती है और 1:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 157 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस जो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन में दोपहर के 2:11 पर पहुंचती है और 2:16 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और हावड़ा जंक्शन से आसनसोल जंक्शन तक की जो दूरी है तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। अपने पश्चिम बंगाल के आखिरी स्टेशन चितरंजन स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:40 के करीब पहुंचती है और 2:41 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 225 किलोमीटर की दूरी जो है ये चितरंजन तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड में एंटर करती है। झारखंड के पहले स्टेशन मधुपुर जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है
दोपहर के 3:28 पे पहुंचती है और 3:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 280 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मधुपुर जंक्शन झारखंड में यह ट्रेन जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद झारखंड के आखिरी स्टेशन और झारखंड के दूसरे स्टेशन जासीडीह जंक्शन में यह पहुंचती है दोपहर के 3:58 पे और 4:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है JSME और 310 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है झाझा बिहार में पहुंचती है दोपहर के 3:20 पे और 3:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 353 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक यह ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है झाझा तक। झाझा के बाद यह ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में पहुंचती है। बरौनी जंक्शन बिहार में यह ट्रेन जो है रात के 8 बजे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 30 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 445 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बरौनी जंक्शन बिहार में यह छपरा टाटा नगर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और गंगा सागर एक्सप्रेस के साथ भी इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन समस्तीपुर जंक्शन बिहार में रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 498 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। समस्तीपुर जंक्शन जो है इस ट्रेन का 10वां और सेकंड लास्ट स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड है SPJ। इसके बाद हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन दरभंगा जंक्शन बिहार में रात के 11:05 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जो दूरी है 534 किलोमीटर के करीब जो है हावड़ा से दरभंगा जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ हावड़ा से दरभंगा जंक्शन तक चलने वाली हावड़ा दरभंगा वीकली एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो अपने वीडियो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जो है मेंशन जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन या फेवरेट ट्रेन रूट पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहां तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।